अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के हुक्म से। आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। अचानक से मेहमान आ जाएं चाय के साथ, आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं ये आलू का मज़ेदार क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा। इंशाल्लाह मिनटों में तैयार होने वाला, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरा बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान, इतना कि जिसने कभी पकौड़ा ना बनाया हो वो इंशाल्लाह वो भी बना लेगा। चलें फटाफट किचन में जाएं और मज़ेदार कलरफुल क्रिस्पी से लच्छा पकौड़ा बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो आलू लिए हैं मैंने, तकरीबन एक पाव। सबसे पहले मैं इन्हें छील लूँगी, दोबारा फिर छील लूँगी। इस तरह से छील लेंगे पहले, दोबारा फिर उसी तरह छील लेंगे। आलूओं को मैंने छील लिया है, अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून फुल भरकर कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इस तरह से हाथ की मदद से करूंगी मिक्स। मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। और 1 टेबलस्पून नमक भी डालकर रख दूंगी ताकि इनका इजाफी पानी निकल जाए और ये हो जाए ड्राई। 10 मिनट रखेंगे ना हम, तो इनका इजाफी पानी निकल जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, अब निचोड़ कर इनका इजाफी पानी सारा निचोड़ देंगे, निकाल देंगे और ये हो जाएंगे ड्राई। आलूओं को निचोड़ लिया है, दो पतली पतली बिल्कुल बारीक बारीक हमने ये हरी मिर्च काटी। और 1 टेबलस्पून बेसन डालकर इसके बना लेंगे लड्डूनुमा पकौड़े। ये कितना पानी निकला है इनमें से, आलूओं की मिठास भी निकल गया और बादी का पानी भी निकल गया। हाथ की मदद से अच्छी तरह से कर लेंगे बेसन में मिक्स। इस तरह से दबा दबा कर हम पका ले बना लेंगे इसके पकोड़े। इधर हमने कढ़ाई ले ली है छोटी सी, इसमें डाल लेंगे ऑयल। ऑयल हमारा हो चुका है गरम, अब मैं डाल दूंगी अपना लच्छा पकोड़ा। पहले हम रखेंगे फुल फ्लेम, जैसे ही पकोड़ा डालेंगे हम कर देंगे लो फ्लेम, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं, अंदर तक गलाने हैं हमने, इसलिए हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। एक मिनट तक हम इन्हें हिलाएंगे नहीं, एक मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, क्योंकि हमने लच्छा पकौड़ा बनाया है। फौरन हिला देंगे तो ये फूल जाएंगे। अब आहिस्ता से हम इन्हें इस तरह पलट देंगे। बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे क्रिस्पी बनने वाले हैं हमारा ये लच्छा पकौड़ा। 1 से 2 मिनट में ही हमारा ये लच्छा पकौड़ा क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मिनटों में तैयार होने वाली हमारी ये आसान सी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे आलू का लच्छा पकौड़ा बनाने की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।